सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि चार धाम यात्रा पे जो भी यात्री जा रहे हैं कॉमर्शियल गाड़ी में, उन ड्राइवर भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी गाड़ी को कैसे पास कराया जाए, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस तरीके से गाड़ी पास कराई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, अगर नॉलेज ना हो तो काफ़ी समय लगता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो जो मैं आप बना रहा हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली वीडियो है, इसको आप आराम से देखिए और सुनिए और समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि गाड़ी के क्या क्या कागज़ होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, टैक्स भरा हुआ होना चाहिए, उत्तराखंड का टैक्स होना चाहिए, ऑल इंडिया परमिट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और पॉल्यूशन होना चाहिए। ये 8-9 पेपर हैं, ये आपके कम्प्लीट होने चाहिए। और दूसरा, एक GPS लगा होना चाहिए आपकी गाड़ी में। GPS लगा होगा और GPS का आप स्क्रीनशॉट खींच के, जहाँ आप RTO ऑफिस में रुकेंगे वहाँ का स्क्रीनशॉट खींच के उसकी भी फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये 8-9 पेपर हैं, ये आप पेपर वर्क कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद कैफे से आप फीस कटा सकते हो, पासिंग की फ़ीस। जो RTO ऑफिस में पास होगी गाड़ी उसकी फ़ीस कटेगी, 650 रुपये की फ़ीस है टेम्पू ट्रैवलर की। वो आप फीस कटा के फिर आपने RTO ऑफिस में जाना है। वहाँ जाकर अगर आप रुड़की पास कराते हैं तो रुड़की में 2 नंबर खिड़की पर GPS चेक होगा आपका, और 1 नंबर खिड़की पर आपकी ये सारे पेपर चेक होकर वो एक नंबर फॉर्म देंगे जो आपने ऊपर लगाना है, जिसपे चेसी स्कैन होगी आपकी, पेंसिल से जो स्कैनिंग होती है चेसी की वो करनी है उस पर। और उसके बाद वो पेपर लेकर आपने गाड़ी के साथ जाना है, 1 किलोमीटर आगे वहाँ पर गाड़ी पास होती है, एक प्लेस है वहाँ पर जाना है, वहाँ गाड़ी पास होगी आपकी। वहाँ जाने के बाद वह गाड़ी लाइन में लगी होगी, और पर क्या क्या देखेंगे वो मैं बता देता हूँ। गाड़ी लाइन में लगाने के बाद आपके पास गुटखा होना चाहिए गाड़ी में, लकड़ी का गुटखा वो होना चाहिए, कभी आप खाने वाला गुटखा समझो लकड़ी का गुटखा होना चाहिए, प्लस आपकी फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जो कि वैलिड डेट के अंदर हो, ऐसा ना हो एक्सपायरी हो कोई मेडिसिन। तीसरा नंबर आपके पास फायर का सिलेंडर होना चाहिए, और चौथा नंबर आपके पास डस्टबिन होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ये चीज़ें चेक करने के बाद वो RTO साइन कर देगा। वो कागज़ आपने वापस RTO ऑफिस में जमा कराने हैं। जमा कराने के बाद आपका ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आ जाएगा। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आने के बाद आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। आपने ट्रिप कार्ड बनवाना है और चारों धाम के लिए निकल जाना है। जय बोलेगी। किस पूरे काम में मेरे 800 रुपये खर्च हुए हैं। वैसे मीडिएटर ने 3000 रुपये की डिमांड की थी, मैंने किसी मीडिएटर को बीच में नहीं लिया है और अपने आप काम कराया, सिर्फ 800 रुपये खर्च हुए हैं। और दोस्तों, अगर आपने पेपर वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, पहले से ही आपने पेपर पूरे कर लिए होंगे, तो आपका ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। मैक्सिमम 1 घंटे में भीड़ के अनुसार, जैसी अगर ज़्यादा भीड़ है तो और थोड़ा समय लगा लो, नहीं तो मैक्सिमम 1 घंटे में आपकी गाड़ी पास हो जाएगी। तो पेपर वर्क अपना कंप्लीट रखें, और भाइयों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ड्राइवर भाइयों को जिसने भी गाड़ी पास करानी है उनको काफ़ी आसानी हो सके और वो आसानी से गाड़ी पास करा सके। और भाई, अब कल निकलेंगे हम यहाँ से हरिद्वार से। अभी चार धाम यात्रा में काफ़ी भीड़ बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कैसा मौसम चल रहा है, क्या आने वाले, ताकि आने वाले लोगों को भी पता लगे कि इस समय क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या मौसम कैसा है, या क्या क्या चीज़ें हमें हाँ। तो भाई, ये भाई मेरे साथ खड़े हैं पार्किंग में, ये चार धाम यात्रा भी करके हैं। चार धाम तो नहीं हुई होगी, एक ही धाम किया होगा। दो धाम है अभी, गंगोत्री यमुनोत्री बंद हो रखा है भाई। दो धाम किए हैं भाई ने, कितनी भीड़ है ये भाई बताएंगे कैसे क्या है। भाई भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है, गाड़ियां। आपने कहां कौन कौन से धाम किए? केदारनाथ और बद्रीनाथ किया है, दो धाम करके आए। अभी गंगोत्री और यमुनोत्री 7 दिन के लिए बंद है। अच्छा, अभी फिलहाल यमुनोत्री गंगोत्री नहीं जा सकते हम, लेकिन हमने तो कल जाना है यमुनोत्री, डेट भी आई हुई है उसकी। बंद है वो, बिल्कुल कंप्लीट बंद है, कंप्लीट 7 दिन के लिए बंद है। यार ये तो न्यूज़ हमने कहीं नहीं देखी, कंप्लीट है। हम कल निकलेंगे, बड़कोट रुकेंगे, परसों हमने यमुनोत्री निकलना है। आप देख लो, यही अपडेट है अभी की, स्टार्टिंग केदारनाथ। तो भाई ये कह रहा है कि भाई यमुनोत्री और गंगोत्री 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, पता नहीं अब ये तो न्यूज़ पक्की है क्या है, बट जाने के बाद पता लगेगा। लेकिन हमने आज अपनी गाड़ी पास करा ली हरिद्वार में, और कल हम यहाँ से निकलेंगे चार धाम की यात्रा पे। सबसे पहले हम यमुनोत्री ही पहुँचेंगे और वहाँ से आपको अपनी अपडेट देते रहेंगे क्या कि सही में ही बंद है, या ताकि आने वाले लोगों को पता लग सके, वो अपने हिसाब से आएँ। बंद होगा तो बंद बता देंगे, शुरू अगर यात्रा चालू होगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में ताकि आपको पता लगता रहे कैसे क्या
सीन चल रहा है हमारी चार धाम यात्रा का। भाई मैंने कईयों से पता किया, वो यमुनोत्री गंगोत्री बंद वाली खबर झूठी है, सब कुछ खुला हुआ है, आप आराम से आइए और चार धाम के दर्शन कीजिए।